तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ व्हाट्सएप के एक नए अपडेट के बारे में और एक नए फीचर के बारे में जो कि अभी रिसेंटली रोल आउट कर दिया गया है। इस फीचर का नाम है कैप्शन मैसेज एडिट, मतलब कि अगर आप कैप्शन में कुछ मैसेज लिख के सेंड करते हैं तो आप उस मैसेज को भी यहाँ पर एडिट कर पाएंगे। क्या है एक्चुअल में सब चीज़ मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी यार और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों जैसा कि बताया, मैं आपको व्हाट्सएप के एक नए फीचर के बारे में बता रहा हूँ जो कि है कैप्शन मैसेज एडिट करके। इसका फीचर का नाम है कैप्शन मैसेज एडिट। तो उसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने प्ले स्टोर में चले जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद अपने व्हाट्सएप को अपडेट कर लेना है। फिलहाल ये बीटा यूजर के लिए, अगर आप बीटा यूजर नहीं है तो हो सकता है ये फीचर आपको नहीं मिले, हो अगर आप बीटा यूजर है तो भी हो सकता है आपको नहीं मिले, क्योंकि अभी फिलहाल कुछ यूजर्स के लिए है और आने वाले टाइम पर सबको रोल आउट करने वाला है। आपको इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको अपनी किसी भी चैट में चले जाना है जिसमें आपको भेजना है। तो आप यहाँ पर फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स और GIF सब जगह पे आप मैसेज को एडिट कर सकते हैं। पहले तो मैं बता दूं कैप्शन होता क्या है। मान लो मेरे लिए यही फोटो है, मैंने यहाँ पर अपना लिखा बर्थडे सेलिब्रेशन, ठीक है, बर्थडे सेलिब्रेशन, आज मेरी बर्थडे था इसलिए आज मेरी ये वाली फ़ोटो है, ये याद में आ गई तो मैंने इसी भी बता दिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने यहाँ पर लिखा बर्थडे सेलिब्रेशन और मैंने इसको यहाँ पर सेंड कर दिया। तो आप देखेंगे ये कैप्शन यहाँ पर लिख के चला गया। बट यार इसमें मुझे कुछ एडिट करना है या कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई या कुछ भी चीज़ें मुझे अगर एडिट करना है तो अब मैं इसको यहाँ पर क्लिक करूँगा। यहाँ क्लिक करने के यहाँ 3 डॉट्स पर जाऊँगा और मुझे यहाँ पर एक नया और ऑप्शन मिलेगा एडिट करने का, जो कि पहले नहीं आता था। अब आपको यहाँ पर कैप्शन एडिट करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर लिख भी रहा होगा एडिट मैसेज। अब मैंने लिख दिया बर्थडे सेलिब्रेशन एट ऑफिस, ठीक है, बर्थडे सेलिब्रेशन एट ऑफिस, और ये मैंने यहाँ पर सेंड कर दिया। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एडिट करके ऑप्शन दिख रहा होगा या फिर एडिट करके आपको दिख रहा होगा कि ये एडिट हो गया है। तो इसी तरह से आपने किसी को कुछ भेजा है, वीडियो हो, फोटो हो, डॉक्यूमेंट्स हो, GIF हो, सबको आप उसके कैप्शन को एडिट कर सकते हैं। अब मैं आपको दोस्तों यहाँ पर क्या, अगर आपने अब किसी को कोई वीडियो भी सेंड कर दी है, अगर आपको उस वीडियो को भी आपको कैप्शन को एडिट करना है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद 3 डॉट्स पर चले जाना है, यहाँ पर चले जाना है एडिट पे। एडिट पे करने के बाद हेली एवरीवन करके या फिर हेलो करके जो भी आपको करना है उसको चेंज आउट करके आप यहाँ पर सेंड कर देंगे तो वो वहाँ पर सेंड हो जाएगा और वो एडिट होके सेंड हो गया है। ऐसे ही अगर आपने किसी को डॉक्यूमेंट्स भेजा है और डॉक्यूमेंट्स को भी आपको चेंज करना है या बोल सकते हैं डॉक्यूमेंट्स का भी आपको उसका जो कैप्शन है उसको मॉडिफाई करना है तो आपको यहाँ पर क्लिक करके थोड़ी देर प्रेस करके रखना है। यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा और आप उस कैप्शन को भी यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। ओवरऑल यहाँ पर आप कहीं भी कैप्शन लिख के कोई भी फोटो, वीडियो, GIF कुछ भी सेंड आउट कर सकते हैं और उसको आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं उसके कैप्शन को, जो कि पहले नहीं होता था। पहले हम क्या करते थे, हमने भेजा तो हमें पूरी वीडियो या फोटो को पूरा डिलीट करना होता था, फिर हम रीसेंड करते थे नए कैप्शन के साथ। तो उस चीज़ को बचाने के लिए यहाँ पर नया फीचर एड ऑन कर दिया गया है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी नए अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो उसमें उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें और अगर आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो मेरे डिसलाइक भी सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम फेसबुक पर DM करके ही पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले। तो थैंक यू।